हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोपेरी चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एल्युमिनियम बैटरीज जो कि ईवी में लॉन्च होने जा रही है। टाटा अपनी एग्जीबिशन पे, टाटा टियागो गाड़ी पे उन्होंने ये आपको करके दिखाया है, जिसके ऊपर अभी R&D चल रही है। तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एल्युमिनियम बैटरीज बेनिफिट्स क्या होंगे जब हम उसको ईवी पे लगाएंगे, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे और उसका फ्यूचर क्या है इंडिया में। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये 25 किलोवाट पर आवर का एक पैक होता है जो कि बनाया गया है। इसका वेट एक पैक का अराउंड 15 केजी का होता है और इस तरह के तीन पैक लगते हैं। ये देखें आप, तीन पैक गाड़ी के बूट स्पेस में लग जाते हैं। जो आपको टियागो दिखाई गई है टाटा की, इसमें गाड़ी में उन्होंने ये तीन पैक लगा के हमें एक बार सैंपल मॉडल दिखाया है। तो अभी इसकी रेंज के बारे में बताएं आपको, अगर ये तीनों पैक गाड़ी में लग जाते हैं तो ये 25 किलोवाट पर आवर इंटू 375 किलोवाट पर आवर की कैपेसिटी आप बिल्ड कर रहे हैं एक तरह की गाड़ी में, जो कि इसकी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 115-120 किलोमीटर से बढ़ा के आपको 500 किलोमीटर प्लस ये गाड़ी चलेगी। इसका मतलब टोटल आपकी 600 से 650 किलोमीटर टाटा टियागो चलेगी ये सेटअप लगा के। और अब अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी बैटरी की कॉस्ट, बैटरी एक्चुअल में ये बैटरी नहीं कहूंगा मैं, मॉड्यूल की कॉस्ट जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उससे 1/3 होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ईवी गाड़ी में कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी देख रहे हो तो उस बैटरी की कॉस्ट अगर से 30 किलोवाट बैटरी की कॉस्ट 3 लाख की पड़ती है, तो ये अगर मैं तीन मॉड्यूल लगाता हूं इसकी कॉस्ट मुझे आप देखें 1 लाख पड़ेगी, मतलब 1/3 कम है मॉड्यूल्स की कॉस्ट। मैं आपको एल्यूमिनियम की कॉस्ट नहीं बता रहा हूं, जो फ्यूल है, फ्यूल की कॉस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मॉड्यूल अगर मैंने गाड़ी में लगवाना है या जिसके पास भी एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं वो अगर अपनी गाड़ी में ये मॉड्यूल लगाते हैं तो वो अपनी कॉस्टिंग उस हिसाब से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पर्टिकुलर एल्युमिनियम बैटरी के बारे में छोटा सा, मैंने एक प्रोजेक्ट घर पे ही बना के आपको रन करके दिखाना है कि ये बैटरीज एक्चुअल में बेसिक्स क्या होते हैं, बैटरी चलती कैसे है। ये एल्युमिनियम प्लेट्स लगी होती हैं ईवी में जो मॉड्यूल में, और उसके अंदर हम एक घर पे जो सेटअप बनाएंगे उसमें वाटर, सॉल्ट, ग्रेफाइट प्लस आपकी एल्युमिनियम फॉयल, उससे मैं आपको ये सेटअप बना के चला के दिखाऊंगा। एक सिंपल LED चलाऊंगा, आपके दिमाग में आइडिया लग जाएगा ये कैसे काम करती हैं। तो आइए प्लीज देखें। सबसे पहले ये मैंने एल्युमिनियम की एक फॉयल रखी है, आप ध्यान से देखें। इसके ऊपर मैंने नैपकिन रख दिया है और ये आपको चारकोल दिख रहा होगा, ये देखें चारकोल, जो कि आपको प्योर चारकोल कहीं से मंगाना पड़ेगा, उसको आप इस पे ऐसे डाल देंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर चारकोल डाल दिया है कि इस चारकोल के ऊपर हम सिंपल वाटर में ये सॉल्ट मिक्स करेंगे। ये देखिए, सॉल्ट मिक्स करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा पानी नहीं डालना है, सो दैट ये नैपकिन पेपर ज्यादा ना खराब हो जाए भीग के और ये शॉर्ट ना हो जाए। नाउ अभी क्या करना है आपको, अभी आपको ये पर्टिकुलर वायर है, जैसे इसको, एक वायर को मैं यहां रखूंगा, दूसरी को इस फॉइल के साथ लगाऊंगा, आप देखेंगे इसमें वोल्टेज रेडी हो जाएगी। तो अभी जो फॉइल पेपर के ऊपर मैंने चारकोल डाला है, चारकोल के ऊपर मैंने आपको ये सॉल्ट वाटर इसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद मैं आपको एक इसका इलेक्ट्रोड बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा, जो चारकोल के ऊपर रहेगा ये इलेक्ट्रोड यहां बना दिया मैंने, ये देखें, इसी फॉइल पेपर को वायर के ऊपर ऐसे रख के इसके ऊपर रख दूंगा और इसको अच्छी तरह से दबाने के बाद चारकोल को फिर इसके ऊपर कर दूंगा, ऐसे करके फोल्ड करना है और मेक श्योर ये शॉर्ट ना हो आपस में। इसको मैं अभी बेंड कर देता हूं,
ताकि शॉर्ट ना हो, इसको ऐसे दबा दिया और दूसरी तरफ से इसको ऐसे दबा दिया। अब दबाने के बाद मैंने इसको पीछे से भी ऐसे मोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखें, ये आपका सेल रेडी हो रहा है। अब मैं इसका दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे ये वायर लगाऊंगा, सो दैट इसका एक ये पॉजिटिव बन जाती है वायर आपकी, यहां से मैं नेगेटिव लूंगा। तो नेगेटिव लेने के लिए इसको कैसे जोड़ना है, थोड़ा सा वायर को आप ऐसे ऐसे और छिल के, और मैं एक सेलो टेप रख के इसके ऊपर इसको मैंने लगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक सेल तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इस सेल की वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं, इसकी कितनी वोल्टेज निकालता है। अभी ये मिली वोल्ट दिखा रहा है। जब मैंने ये नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे जोड़ दिया, अब इसको थोड़ा प्रेस करूंगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं 0.77 वोल्ट्स, ये देखें 0.77 वोल्ट दिखा रहा है, 0.7 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। तो इनको मैं सीरीज में ऑलरेडी सेल कुछ बना रखे हैं, आपको ये दिखाता हूं। ये देखें, ये ऑलरेडी सीरीज में मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। तो अभी इसको सीरीज में लगा के मैंने अब ये वोल्टेज चेक करनी है, कितनी वोल्टेज आती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखिए वोल्टेज, अब मैंने इसको सीरीज में लगाया, थोड़ा सा इसको दबाना पड़ता है बिकॉज ये सिर्फ एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप देखिए 3 वोल्ट के करीब ये पहुंच जाएगा। अब मैं जब दबाता हूं तो इसको वोल्टेज इसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नाउ अब मैं आपको इस पे एक छोटा सा एलईडी बल्ब चला के दिखाऊंगा। तो अब फ्रेंड्स, आप ये देखें, मैंने अभी आपको वोल्टेज चेक कराई थी तो ये 3 वोल्ट दिखा रहा था। अब मैं इसको मैंने एक एलईडी बल्ब लगाया, अभी इसको थोड़ा दबाएंगे तो वोल्टेज बनती है, बिकॉज प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, पहले ही बता दूं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं तो ये वोल्टेज निकालता है। ये देखिए कितनी अच्छी वोल्टेज निकाल रहा है ये, आप ध्यान से देखिए। अब मैंने छोड़ दिया तो ये वर्किंग नहीं, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट्स इसके अच्छी तरह से नहीं लगे। तो टोटल सीरीज में लगाने के बाद मैंने एक आपको एलईडी बल्ब चला के दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट एक आपको मैं ये देखें, तो ये एक आपको जस्ट मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि जितनी भी ईवी की गाड़ियां हैं उसमें एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी से बैटरी कैसे बनाई जाती है और एल्यूमिनियम बैटरी किस कॉन्सेप्ट पे, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी ये पर्टिकुलर सेटअप देखा था जो मैंने आपको दिखाया है कि ये कैसे एक्चुअल में एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरीज सिंपल बेसिक्स कैसे काम करते हैं, तो अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि इस बैटरी के प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि सबसे पहला जो बेनिफिट है इस एल्यूमिनियम बैटरी का, वो इसकी एनर्जी डेंसिटी वॉट पर केजी कितनी है। तो जो जैसे आप देख रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 1.5 किलोवाट पर केजी है और एल्यूमिनियम बैटरी की वही डेंसिटी 8 किलोवाट पर केजी है। मतलब 1 किलोवाट में अगर मैं टोटल एनर्जी को देखूं तो वो 1.5 के मुकाबले 8 किलोवाट है, तो अप्रोक्सीमेटली 6-7 टाइम्स ज्यादा बेटर आपको डेंसिटी मिलेगी। मतलब आप 75 किलोवाट का, जैसे दिखाया गया है पहले टाटा टियागो ने, 75 किलोवाट की वो छोटी सी स्पेस में, उसकी बूट स्पेस में कैसे ये इसको इंसर्ट कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं। मेन डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे, एनर्जी डेंसिटी, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और अब दूसरे बात करें इसकी, एक इसकी आपको चार्जिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आपने जब ये बैटरी एक बार लगा ली, आपको शायद इस बात का इल्म हो या मुझे भी बहुत डाउट था इसके बारे में कि क्या इसको दोबारा चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको ये बता दूं कि ये बैटरीज नॉन रिचार्जेबल हैं, रिचार्ज नहीं होती। ये बैटरीज आपको प्लेट के रूप में मिलेंगी, एल्यूमिनियम प्लेट्स, जो कि आपको इस मॉड्यूल में इंसर्ट करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वो इंसर्ट करने के बाद आपको एनर्जी मिल जाएगी और जब आप टोटल एक मॉड्यूल पर्टिकुलर, जैसे दिखाया गया है 3 मॉड्यूल्स में 500 किलोमीटर तक जब ये टियागो चलेगी, तब उसके बाद इसकी आपको वेस्ट मटेरियल होता है एल्यूमिनियम का, जो कि पतली सी परत बन जाती है, वो आप IOCL के पंप पे दे दोगे,
IOCL के साथ टाई अप है टाटा का, और फिर आप उस पंप से फ्रेश एल्यूमिनियम प्लेट्स वहां पे इंसर्ट करा सकते हो। मतलब आपको रिचार्ज की तो कोई चिंता ही नहीं है, आप गाड़ी रन करो बिंदास और जाओ किसी भी पंप पे IOCL के, वहां से प्लेट्स उठाई डाल दी, जस्ट लाइक अ फ्यूल, जैसे आपको पेट्रोल और डीजल पंप्स पे मिलता है वैसे ही आपको एल्यूमिनियम की प्लेट्स मिल जाएंगी। और अब जो चैलेंजेस हैं इस बैटरी के बारे में, जो डिसएडवांटेज मैं बोल सकता हूं वो ये कि रिचार्जेबल नहीं है। दूसरी बैटरीज लिथियम आयन मैंने घर पे चार्ज करी और मैं निकल पड़ा, लेकिन ये बैटरीज एक बार आपने लगा दी एल्यूमिनियम की प्लेट तो वो कंज्यूम हो जाती है, दोबारा चार्ज नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देके वो बैटरीज की प्लेट्स लगवा के एल्यूमिनियम प्लेट लगा के आपको आगे जाना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं इसकी कॉस्ट रनिंग पर किलोमीटर की, तो आप देख सकते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट, जैसे आप देखिए पेट्रोल की अराउंड 5 रुपीज पर किलोमीटर होती है, डीजल की 4 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगी, और ईवी की लिथियम आयन की बैटरी अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज पर किलोमीटर, लेकिन इस गाड़ी की कॉस्टिंग आपको 3 रुपीज के करीब पड़ेगी 1 किलोमीटर की। तो वो आपके दिमाग में ये बात आपको रखनी पड़ेगी कि इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। और एक इसको आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज ही कहूंगा मैं कि देखिए इसकी स्पेस की अगर बात करें तो ये आपके बूट स्पेस को पूरा खा जाएगी। तो जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, जिन्होंने सामान समून ज्यादा रखना होता है, कैरी करना होता है, ट्रैवल ज्यादा करते हैं सामान के साथ, तो उनको ये दिक्कत आने वाली, या फिर टाटा कोई ऐसा डिजाइन लेके आए कि लिथियम आयन की जैसे बैटरी नीचे सीट के पीछे रखी गई, ऐसे ही हमारी सीटिंग सीट्स हैं जो उसके पीछे इंसर्ट कर दें वो मॉड्यूल्स, सीट से ही हम नीचे से ड्राइवर सीट पैसेंजर सीट चारों पांचों सीट्स के पीछे से मॉड्यूल निकालें और पकड़ा दें। तो ये इसके ऊपर अभी वर्किंग होगी, ये सच कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इस पे काम हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इन बैटरियों का फ्यूचर क्या है। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में जितनी, जैसे आप देख रहे हैं कि आप लिथियम आयन बैटरीज की भरमार हो जाएगी पूरे इंडिया में, से जिस दिन 50-60% गाड़ियां लिथियम आयन की हो गई तो हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ती जाएगी चाइना जैसी कंट्रीज पे, बिकॉज हमारे पास लिथियम का कोई सोर्स नहीं है। उसके मुकाबले अगर मैं देखूं इंडिया, तो इंडिया में एल्यूमिनियम के नाम पे बॉक्साइट मटेरियल बहुत भरा पड़ा है, भंडार लगे पड़े हैं। आप बॉक्साइट से आप एल्यूमिनियम बना सकते हो, जो कि आज की डेट में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं लाइक वेदांता। तो एल्यूमिनियम की जो इंडिया में अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले लिथियम की बहुत ज्यादा कम है। तो फ्यूचर आगे दिख रहा है इस टेक्नोलॉजी का, नो डाउट अगले 5-6 सालों में ये गाड़ी आपको सड़कों पे दिखेगी और ये शायद रिप्लेस कर देगी लिथियम आयन बैटरीज को। और आपके अगर बात करें जैसे लिथियम आयन बैटरीज हैं, आपकी आज से 10 साल 15 साल के बाद बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि बैटरियों को हम रिसाइकल कहां करेंगे, बिकॉज लिथियम आयन को रिसाइकल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है ऐसी। उसके मुकाबले अगर एल्यूमिनियम का जो भी हमें वेस्टेज बचेगी, आज की डेट में इंडिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी है कि उस वेस्ट को फिर से दोबारा वो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ्यूचर दिख रहा है इस टेक्नोलॉजी में, जो कि आने वाले दिनों में आपको सड़कों पर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने आपको अभी जानकारी दी है एल्यूमिनियम की बैटरी में या जो प्रैक्टिकल दिखाए हैं, होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सो दैट मैं आपके साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।